Reportedly, a passenger terminal worth 150 crores is being proposed at the site to decongest New Delhi and Old Delhi stations. Interestingly, the Delhi High Court has observed that land-owning agencies can't just swoop down on a population and demolish everything. ये लोग जो हैं ये इंसान हैं ठीक है इनके साथ सही तरीके से काम किया जाना चाहिए कानून है इन चीजों को करने का तरीका है कानून को यहां तोड़ा गया है मोदी सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने यहां पे ये काम किया है अब देखिए अब ये एक दूसरे को ब्लेम करने हैं ब्लेम करें ना करें वो उनकी बात है मगर उनको क्या करना चाहिए यहाँ जो लोग हैं जो भूखे हैं जो दुख में हैं जिनको दर्द हो रहा है इनकी देखभाल करनी चाहिए इनको सही रिहैबिलिटेट करना चाहिए इनको जगह देनी चाहिए नॉर्दर्न रेलवे और द कंसर्न डीआरएम देयर ऑफिस इशूड द नोटिसेस टू द एनक्रोचर्स एंड आई थिंक द नोटिसेस वर गिवन फॉर एट थ्री ओकेजंस And after that encroachment was removed. So this encroachment removal was under the directions of the National Green Tribunal and the railways was bound to remove this encroachment under the orders of the National Green Tribunal. बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कल सारा दिन यहाँ पर झुग्गियों में डेमोलिशन चलता रहा और कल रात में एक बजे मुख्यमंत्री को मौका मिला समय मिला रात को एक बजे यहाँ पर वो आ पाए तो क्या मुख्यमंत्री जी इतने लाचार हैं कि उनको पूरे दिन यहाँ पर कार्रवाई होती रही और उनको जानकारी नहीं मिली क्या मुख्यमंत्री जी इतने लाचार हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई होने वाली थी और उनको दो दिन पहले एक दिन पहले भी जानकारी नहीं मिली ताकि वो इसको इससे पहले रेलवे मंत्रालय से टेकअप करके यहाँ के वैकल्पिक व्यवस्था की इंतजाम करा सके इससे पहले भी यहाँ पर जब जब भी कभी भी इस प्रकार की बातें होती थी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान कभी भी इस प्रकार की बर्बरता नहीं हुई एक बच्चे की मौत यहाँ पर हो गई है और एक व्यक्ति बहुत सीरियस रूप से यहाँ पर घायल है और हजारों लोग यहाँ पर बेघर होकर के इधर सारी की सारी रात ठंड के अंदर पड़े हुए हैं इस प्रकार की बर्बरता आज तक कभी भी नहीं हुई और दुख की बात यह है कि यह इलाका दिल्ली सरकार के एक मंत्री का इलाका है और दिल्ली सरकार के मंत्री के इलाके में अगर इस प्रकार के झुग्गियाँ यहाँ पर तोड़ी जाएँ और उन्हें कुछ पता भी ना हो तो यह समझ में नहीं आता इतना लाचार कोई मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होता है उनको कम से कम एक हफ्ता पहले जैसे ही उनको जानकारी मिली थी उनको रेलवे मिनिस्ट्री से और दूसरी अथॉरिटीज से टेकअप करके इसका रास्ता निकालना चाहिए शकूर बस्ती वाज डिक्लेयर्ड अ डिजास्टर जोन आफ्टर द कंट्रोवर्शियल डेमोलिशन ड्राइव लीडिंग टू द सिविल डिफेंस टीम ऑफ द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेपिंग इन टू कैरी आउट रिलीफ ऑपरेशंस फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन शकूर बस्ती फॉर सेवरल इयर्स They say that anti-encroachment drives like the one that took place on December the 12th is nothing new. Amidst the real politics, the people of Shakur Basti wait for a roof. Children who liked playing inside their little cozy homes wish to get a room, if not a palace, and the old wish to spend their twilight years in peace. All in all, Shakur Basti hopes for a better 2016. Powered by NNIS.